हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार शुक्ला एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने बिल्डिंग मटेरियल के चार चैप्टर अपलोड किए हैं, बिल्डिंग स्टोन, सीमेंट, लाइम, ब्रिक्स, और ये मेरा पांचवा चैप्टर जो आपको चल रहा है, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट। ये इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं, यानी इसको रिपीट होना ही है। तो अगर आप इस चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन को तरीके से देखेंगे, तो आप जितने भी एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको इनमें से 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे, और उसको आसानी से सही टिक करके आ जाएंगे। तो बस एक बार इसको आपको देखना है, और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उससे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिससे कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कोई क्वेश्चन नया ना लगे, उसके बारे में एक दो बार चर्चा जरूर हुई हो। तो दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि नए नए वीडियोज़ आपको मिले। और ये मेरा टिम्बर का ये तीसरा पार्ट है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं। आइए 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेन वाइट आंट्स इज ऑब्टेंड फ्रॉम, वह प्रकाश जिसका सफ़ेद चींटियों के लिए अधिकतम प्रतिरोध होता है प्राप्त की जाती है, वो सीसम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सीसम जो होता है बहुत हार्ड होता है, और ये सफ़ेद चींटियों के लिए अधिकतम प्रतिरोध करता है। और मोस्ट वैल्यूबल अगर आपको टिम्बर की बात आएगी तो वो होगा आपका टीक, ऑप्शन डी। तो इस चीज को जानते रहिए, क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होती है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फाइबर बोर्ड आर यूज्ड फॉर थर्मल एंड एकॉस्टिक कंट्रोल, फाइबर बोर्ड आर यूज्ड फॉर लाइट वेट स्टैंडिंग मेंबर्स, फाइबर बोर्ड आर ऑब्टेन्ड बाई इम्पेयरिंग ए रिजन प्रोडक्ट ऑन फाइबर्स। तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये फाइबर बोर्ड के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, ये थर्मल और जो आपका एकॉस्टिक कंट्रोल है इसमें इसका यूज होता है, फाइबर बोर्ड का यूज़ कहाँ होता है, लाइट वेट स्टैंडिंग मेंबर, जहाँ पर लाइट वेट के लिए सपोर्ट दिया जाता है वहाँ पर भी फाइबर बोर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, और फर्नीचर में भी फाइबर बोर्ड का आपको यूज होता है, क्वेश्चन इसका आता ही है। तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए। द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर इज कार्ड। प्रकाश के टुकड़े के निर्माण की गई सतह पर वास्तविक गोलाकार सतह का उपस्थित रह जाना क्या कहलाता है, वेन कहलाता है। ऑप्शन ए। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द क्रैक कास्ट बाई श्रिंकेज एंड एक्सटीरियर सरफेस ऑफ वुड एक्सपोज टू एटमोसफियर इज कार्ड। तो आपको ये देना है कि लकड़ी को वातावरण में खुला छोड़ने पर बाह्य सतहों से सिकुड़न से उत्पन्न दरार क्या कहलाती है, ये आपकी विंड क्रैक्स होती है। क्योंकि तो जब उसको छोड़ देंगे तो जो हवा के कारण जो क्रैक्स आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें जो सिकुड़न आ जाती है सतहों पर वो किसके कारण होती है, विंड क्रैक्स, इसको विंड क्रैक्स बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्लाई वुड्स ऑब्टेन बाई ग्लूइंग वुडन सीट एट। लकड़ी की परतों को चिपका कर प्लाईवुड प्राप्त की जाती है, कितनी, 100 से 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 से 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीग्रेड है यहाँ पर, और बोथ ए और बी, नाइदर ए और बी। तो लकड़ी की परतों को चिपका कर प्लाईवुड प्राप्त की जाती है यहाँ पर, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ना इसमें ए है और ना बी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सोइंग टिम्बर। लकड़ी को काटने कार्य के निम्नलिखित विधि में सही कथन का चुनाव। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जो ये लकड़ी की जो विधियाँ हैं सब विधि के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, और जैसे आपको टेनली जो है उसको हम लोग टेनली मेथड बोलते हैं, इन 4 क्वार्टर में
such that each bolt cut on the natural ring angle not less than 45 इंच कम नहीं होना चाहिए, उसे हम क्वार्टर फाइंग बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट है, ऑप्शन डी। हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की सहायता मिलती है? इन इंक्रीज द वेट ऑफ टिम्बर, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। इससे वेट तो नहीं बढ़ता है लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज है टिम्बर की वो बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल अब्सॉर्ब्ड बाय द ट्री विच बिकम ए विस्कस सॉल्यूशन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन। पेड़ द्वारा अवशोषित मिट्टी के लवण का घोल जो नमी के क्षय और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के कारण चिपचिपा घोल बन जाता है, उसे हम लोग सैप बोलते हैं। जो मिट्टी में जो ये आपके लवण और खनिज होते हैं, इसको ये जो जड़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, किसके क्रिया कारण? आप नमी जो उसमें विद्यमान रहती है मतलब मिट्टी में, तो उसमें खनिज लवण का जो घोल होता है वो उसकी जड़ से उसमें जाके ये सैपवुड में जो आपको तने में जो आपका जैसे आपको मैंने बताया था आउटर बार्क इनर बार्क फिर कैम्बियम लेयर, उसके बाद जो सैपवुड है तो उसमें जो ये लिक्विड होता है उसके बारे में बताया कि वो कहाँ से आता है। तो आता कहाँ से है? जो मिट्टी में खनिज लवण विद्यमान होते हैं उसको घोल के रूप में उसको ले लेता है, और उसी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सैप बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेन फ्रॉम टीक, अभी हमने आपको बताया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट आंट्स, ये क्वेश्चन हो चुका है चर्चा, सीसम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बुक में डी दिया है, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरा टिम्बर का आखिरी पार्ट था, इसको मैंने अपलोड कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो मेरा नया चैप्टर है वो पेंट्स एंड वार्निशेस है, रंग तथा वार्निश, ये भी इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर विधिवत चर्चा होगी। और अभी इस बुक में जो टिम्बर है या मैंने आपको बताया है इसको मैंने तो सिर्फ बताया ही है, अभी आपको और बुक में अच्छी अच्छी उसके वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी चर्चा होगी। इसलिए मैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सीटी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 200 क्वेश्चन आपको एक बुक का आपने पढ़ लिया तो हो गया। होता क्या है कि इनकी इनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हर बुक तो उतने क्वेश्चन छाप नहीं पाती है। तो कई बुक तो आपको सेम मिल जाएगी मार्केट में कि उसमें क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं, लेकिन कुछ बुक ऐसी है जिसमें आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो इसीलिए कई बुक से आपको अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका नॉलेज अधिक गेन होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यानी अच्छी बुक आप लीजिए जिसमें एरर कम से कम हो, और जितना भी उस सब्जेक्ट के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आप चर्चा कीजिए, और वहीं से भी क्वेश्चन जैसे आपका MP का हो गया, UP का हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, SSC का हो गया, इन लोग क्या करते हैं कि SSC खास तौर से क्या करता है कि वो थ्योरी में से वहीं से क्वेश्चन को बनाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बुक उसके क्वेश्चन आपको 20 से 25% आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेंगे तो चैप्टर में, लेकिन उसका आपको नए लगेंगे कि आपने ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं। तो इसीलिए किसी क्वेश्चन को आप पढ़िए तो उसको डीपली उस पर चर्चा कर लीजिए, इससे क्या होगा आपको अधिक नॉलेज होगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। थैंक्स टू वॉच।